और ख़मों की एक बहुत बड़ी टीम होम सेल सिस्टम के जरिए खुदा की खिदमत में उनके साथ मसरूफ़ है और वो टैंपल ऑफ़ गॉड कलीसिया की रहनमई फरमाते हैं सीनियर पास्टर एंड अ टीचर इसके अलावा आप पैम्फलेट मिनिस्ट्री के जरिए पैम्फलेट को रिसीव कर सकते हैं और उससे बरकत पा सकते हैं और टैंपल ऑफ़ गॉड टी को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करके उसके ज़रिए आप मुख्त मैसेजेस सरमन टीचिंग्स और प्रोग्राम्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं जिनाजि आज की स्पेशल ट्रांसमिशन निमटोलॉजी यानी कि रुदस के, के हवाला से है और आज का टॉपिक फुल आउटपोरिंग ऑफ होली स्पिरिट अपाउंड चर्च है यानी नजूल रलकुद कलीसिया पर जनाजिन जैसा कि हमारा टॉपिक रुलकुदस के नजूल के हवाला से है और इस बारे में हम एक स्परिचुअल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और उसके बाद हम अपने सवाल की जानब बढ़ेंगे आपने स्पिरिचुअल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें ईद पैंतीस और रू के नजूल के हवाला से डॉक्यूमेंट्री पेश की गई और अभी यह हमारा के से प्रोग्राम है और यह सिलसिला जारी रहेगा और रुलकुदस की शख्सियत के बारे में डीपली आप तलीम को हासिल करेंगे आज हम इस ट्रांसमिशन में तीन क्वेश्चन पूछेंगे जो कि कुछ यूं हैं पहला क्वेश्चन रुलकुदस की शख्सियत के बारे में और ईद पैंतिकॉस्त और नजूल कलीसिया पर के बारे में होगा दूसरा क्वेश्चन क्या गैर ज़ुबाने और नबूवत दोनों ही पाकरू के बपतिस्मा का निशान है और हमारा तीसरा और आखिरी सवाल मसा और कुवत में क्या फ़र्क है और क्या खादम किसी को मसा कर सकता है ये हमारे आज के तीन क्वेश्चन होंगे जो कि हम रेवर डॉक्टर विलसन कामर से बाइबल की रहनमई में इनका जवाब हासिल करेंगे तो हम अपने पहले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जो कि कुदस की शख्सियत के बारे में और ईद पैंथिकॉस और नजूल कुदस क्लीसिया पर के बारे में है जी भाष साहब आज का जो हमारा ट्रांसमिशन नेमटोलॉजी के हवाला से है उसके ऊपर मुकम्मल इन तीनों सवाल के बारे में मैं टीचिंग देना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी क्लिसियाओं के लिए खादमों के लिए जी बिल्कुल और ईमानदारों के लिए है तो so बिलीवर्स मैं दो रेफरेंसेस पढ़ूंगा शोना की अंजील चौथवा बाप और उसकी सोलहवीं आए और उसके बाद छब्बीसवीं आए और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे और छब्बीसवें आए लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा और अमाल की किताब दूसरा बाब पहली चार आया जब ईद कोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि जक, जक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की शोला की सी पटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूल कुदरत से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रू ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी आमे तो ब्लीवर्स अभी हमने ये दो रेफरेंसेस पढ़े हैं और निमटोलॉजी के हवाला से जो हमारा स्पेशल ट्रांसमिशन आज होने जा रहा है चूँकि इकतीस मई को रूल कुदस के नजूल का दिन होता है और सारी दुनिया के अंदर होली पेट के हवाला हाँ से टीचिंग दी जाती है और जो इद पैंथी कोर्स के मौका पर रूल कुदस का नजूल हुआ उसके ऊपर सब ईमानदार तालीम को जानते हैं सीखते हैं लर्न करते हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है होली स्प्रिट के मुतालिक जानना क्योंकि यह दौर होली स्प्रिट का है जैसे ओल्ड टेस्टमेंट यह हवा हमारा बाप उसका दौर था और न्यू टेस्टमेंट उसके बेटे क्राइस्ट का जिसने इस दुनिया में आकर अपनी जान स्ली पर कुर्बान की मर गया मुडों में से जी उठा और आसमान पर चला गया और वहां से फिर जो वादा उसने क्लिसिया के साथ मकदसों के साथ किया था रूल कुदस को हमारे पास भेज दिया और ईद पैथी कोर्स के मौका के ऊपर रूल कुदस का नजूल क्लिसिया के ऊपर होता है और हमारा जो टॉपिक आज का है फुल आउट पॉलिंग ऑफ होली स्पिरिट अपॉन चर्च नजूल कुदस कलिसिया के ऊपर और ये नहायत ज़रूरी तालीम टीचिंग है और रूल कुदस के हवाला से जब उसका दौर है तो रूल कुदस की सारी तालीम पुलिसों को मालूम होनी चाहिए और हमें अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट में से न्यू टेस्टमेंट में से हर एक तालीम का पता होना चाहिए और बग़ैर रेफरेंसेस ये याद रखिए कभी भी कोई बात मत सीखिए हर एक तालीम जो बाइबल के अंदर है उसका रेफरेंस मौजूद है ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट के अंदर और आज हम नजूल कुदस के हवाला से जब बात करने जा रहे हैं रूल कुदस की शख्सियत के हवाला से तो हमारे पास ओल्ड डस्टमेंट न्यू डस्टमेंट दोनों की तालीम हो ताकि हम एक मकम्मल एजुकेशन अपनी ज़िंदगी में रखें और अभी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है इसके अंदर जो हमने पैंटिकोस के हवाले से और फिर रुलकुदस के नजूल के हवाले से क्लिप्स देखे और फिर अनोन्टिंग के हवाले से और मौजूदा मौजूदादम किस तरीके से लोगों को अनोन्ट या ब्लेस करने के लिए मुख्तलिफ मुख्तलिफीमत अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और टंग्स के हवाले से नबूत के हवाले से भी आज हम इस जो ट्रांसमिशन है इसके अंदर इन बातों को जाने के सीखेंगे और मुख्तलिफ जो होली स्पेट के और तलीमत के पहलू हैं वो हम मुख्तलि एपिसोड के अंदर देखते चले जाएँगे तो ट्रांसमेशन एक अहम ट्रांसमेशन जो होली स्प्रिट के हवाला से है और निमटोलॉजी की मकमल हमें तालीम का पता हो पूरा नॉलेज रूल कुदस का हमारे पास होना चाहिए और सबसे पहले तो मैं होली स्प्रिट की शख्सियत के हवाला से बात करूंगा और फिर ईद पैदक रूल कुदस के हवाला से बात करूंगा तो युना के जील चौधे बाप के अंदर बिलीवर्स जो आय पढ़ी क्राइस्ट जब शगिदों से बात की तो रूल खुदस के हवाला से बात की कि मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो रूल खुदस को भेजेगा और दूसरा मददगार हमारे लिए और वो आकर मेरी बाबत बताएगा सच्चाई करूँ रूह हक और वो जो तालीम मैंने दी है वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा तो ग्रीक पर नियोमा जिसका मतलब है या व या फोर्स और जो इब्रानी हमारे पास लफ्ज रखा इसका मतलब यही है वेंड या फोर्स अब जो थियोलोजी को समझने वाले हैं और मख्तल स्कूल ऑफ थाट उनके पास है और कई तो रूल कुदस को सिर्फ एक पार कुत समझते हैं मगर बाइबल मुकदस की तालीम के मुताबिक जो ओल्ड टेस्टमेंट में न्यू टेस्टमेंट में है पुलिस बिड एक शख्सियत है पर्सनालिटी है तसलीस का तीसरा अखनूम है जब ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं तो यह हमारा बाप और क्राइस्ट न्यू टेस्टमेंट में और आप दौर जो है ऑफिस रूल कुदस का है और रूल कुदस बाप से सादर होता है और रूल कुदस जो सिर्फ कुवत नहीं है वो कुवत देता है पार मगर एक शख्सियत है वो तालीम देता है हमारे साथ होता है हमारे अंदर रहता है हम पर नाजिल होता है ये उसके पहलू हैं और बाइबल मुकदस के मुताबिक वो रंजीदा भी हो जाता है अगर कोई सिंध के अंदर बिलीवर जाए इसलिए रूल कदरस जो तालीम देने वाला है सिखाने वाला है साथ रहता है आहें भर भर कर दुआएं करता है हमें तसल्ली देता है हमें जोर देता है तालीम देता है खुदा के तय की बातें दरिया करता है तो वो सिर्फ एक कुवत नहीं है वो एक शख्सियत है और न्यूमा के अंदर जब हम स्पेड कहते हैं तो यूना के जी बापे जो बाद छब्बीसवेंट पड़ी है तो लिखा कि मददगार यानी रूल कुदस, तो वहां पर रू को होली स्पेड कहा गया है ये क्राइस्ट ने रूल कुदस कहा है। इसके अलावा भी और बहुत से नाम ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में हमें मिलते हैं जिस तरह हमें पाकिजगी का रूह है और नेपाली होने का रूह है खुदा का रूह है मसीह का रूह है जलाल का रूह है तो ये सब टाइटल और चौदह बाब जुना के अंदर वो ऐसा रूह है जो सच्चाई की तलीम देता है रूह हक तो मुख्तफ उसके पहलू हैं और फिर मददगार के लिए जो ग्रीक वर्ड है पैराकिटोस जिसका मुख्तफ उसके मीनिंग है जैसे पैराक्लीट हेल्पर और कंफर्टर काउंसलर एडवाइजर तो ये सारे मीनिंग है पर जब हम पैरा कहते हैं तो इसका मतलब है कि हेल्पर का जब पैरा हम कहते हैं तो इसमें जो मुख्त्य तजमे है उसमें कंफर्टर और काउंसलर जो है और दीगर उसके नाम आते हैं तो वो हमारा ऐसा मददगार है जो हमारा कंफर्टर है हमारा काउंसलर है हमारा एडवाइजर है हमारा इंटरसेसर है और हमारा हेल्पर है हमारी मदद करता है और लिखा ये दूसरा मददगार है जो ग्रीक में दूसरे के लिए एलोन पहला यानी दूसरा मददगार पहले की तरह तो पहला क्राइस्ट हमारा हमारे पास आया और फिर उसने दूसरा मददगार जो होली स्पिरिट हमें भेजा ताकि हमारे अंदर रहे और हमारे ऊपर बिलीवर्स के ऊपर नाजिल हो और हमेशा अब तक उनके साथ रहे तो ये क्राइस्ट का ने एक वादा किया जब वो हेमन पर जीव टेक बाद गया तो उसने जो खास बाप से की थी कि मैं जाकर रूल कुदस मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा तो उसने मददगार जो है ईद पैंती कोस वाले दिन भेजा तो जब गाइस मुदमी से जी उठा और चालीस दिन वो लोगों को नजर आता रहा आसमान की बादशाही की मनादी करता रहा और फिर जब शागिदों के सामने से आसमान पर उठाया गया तो उनको इक्तिर बख्शा कि सारी दुनिया में जाकर जील की मुनादी करें उन्हें खुदा बाप बेटे माँ दे और साथ ये भी कहा कि जेरूशलिम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुदस ना मिल जाए तो होली स्पिरिट के हवाला से ये बात ये वादा क्राइस्ट ने किया तो फिर हमें ईद पैंथी कोस के मौका के ऊपर रूल कुदस का नतूल मिलता है तो इसके हवाला से पास साइमन जो मैं बात करना चाहूंगा वो ईद पैदकोस और रुक कुदस के रजूल को समझ रहा है तो जब हम ईद पैदकोस के मौका पर देखते हैं तो अमाल की किताब में लिखा है जब ईद पैद का दिन आया तो क्राइस्ट के जाने के दस दिन बाद ये ईद आती थी और क्राइस्ट ने यह कहा कि तुम जाने से पहले तुम थोड़े दिनों के बाद कुदस को पाओगे तो कलीसिया इब्तदाई कलीसिया जो 120 ईमानदारों के ऊपर मुश्तमिल थी वो दुआ के अंदर बैठ गई और होली स्पिरिट का इंतजार करने लगी और जब ईद पैंथिकोस आया तो उस मौका के ऊपर क्राइस्ट ने अपने वादे के मुताबिक रूल कुदस को भेजा तो लिखा है जब ईद पैंथिकोस का दिन आया वो सब एक जगह जमा थे और एक जोर की आंधी का सुनाटा उन्होंने सुना और आग की फटती हुई जबान दिखाई दी और उनके ऊपर आग ठहरी और सब रूल कुदस से भरके बोलने लगे जिस तरह ने बोलने की तफ्क बख्शी तो ये जो रूल कुदस का नजूल है ये जो आउटपोरिंग ऑफ होली स्प्रिट है ये फेस्टिवल ऑफ पेंथिकॉस के मौका पर हुआ है और आजकल दुनिया के अंदर आप जब हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं होली स्प्रिट के नजूल को तो बाज ईद पेंथिकॉस का टाइटल देते हैं बाज रूल कुदस के नजूल का टाइटल देते हैं तो हमने जो टॉपिक दिया है

हार्वेस्ट के हवाला से यानी हफ्तों की ईद मगर जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर देखते हैं तो वहां ईद पेंटिकोस कहा गया है फीस ऑफ पेंटिकोस तो पेंटिकोस का मतलब है फिफ्टी पचासवा तो हफ्तों की ईद का भी यही मतलब है तो हफ्तों की ईद का मतलब है कि सात सबतों के बाद जो दिन आएगा यानी सेवन इंटू ये सात हफ्ते उनचास दिन के बाद जब पचासवा दिन आएगा तो उसके ऊपर ये ईद जो है मनाई जाएगी जो फेस्टिवल ऑफ वीक्स है या फेस्टिवल हार्वेस्ट तो इसमें जब पहला दिन होता था तो एक पुला जो फसल का फर्स्ट फ्रूट लिया जाता और हलाया जाता और उसका हम रूहानी मानी लेते जैसे उनसे मुर्दों में से जी उठा और वो पुला जो है आसमान पर खुदा की जोरी में हलाया गया पेश हुआ तो यहूदी जो ईद मनाते थे वो फसल की कटाई की तो इसमें जब तक हमें ओल्ड टेस्टमेंट की इन फेस्टिवल का नहीं पता हम आगे जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर एजुकेशन को मुकम्मल नहीं समझ पाएंगे इसलिए हमें ओल्ड टेस्टमेंट के फेस्टिवल्स के मुकम्मल तालीम का पता होना चाहिए इसलिए बिलीवर्स और खादमों और कृषिओं को जो इन बातों को समझते हैं मुझे जानते हैं कि जब जो हावज फेस्टिवल था हफ्तों की ईद थी और यूनानी में जो बात पेंटिकॉस के हवाला सीखेगी कि ये पचासवा ईद पेंटिकॉस यानी हफ्तों की ईद जिससे आई तो यहूदी लोग जब उनचास दिन के बाद पचासवा दिन आता तो वो सारी फसल की कटाई करके उस जो फसल में से दो रोटियां बनाते दो गिरदे जो गोल शेप के होते और उनको फिर वो हाईप्रिस्ट के पास लेके आते नई नजर की कुर्बानी के तौर पर और फिर वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर और उसके साथ बड़े भी कुर्बान किए जाते तो ये आतशीन कुर्बानी खुदा की हजूरी में गुजार नहीं जाती जी तो ये ईद पैदिकोस के ऊपर या जो फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट या हफ्तों की ईद के मौका के ऊपर होता था तो ये तो यहूदी ईद मनाते थे वो फसल की कटाई करते थे मगर हम तो वो कटाई करके ये फसल तुरोटियाँ नहीं लेके जाते ये यहूदी करते थे आज भी करते हैं मगर जब सब ईद मसीह में पूरी हुई है जैसे ईद फसा मसीह की कुर्बानी में पूरी हुई तो ईद पैंतिकोस रूल कुदस के नजूल में पूरी हुई तो लिहाजा आज हम ईद पैथिकोस नहीं मना रहे ईद पैंतिकोस यहूदियों का फेस्टिवल है वो फसल की कटाई है पर उसी में जो हमारा फेस्टिवल जो हुआ है जो रूल कुदस का नजूल हुआ है तो वो ईद मसीह ने कुदस के नजूल में पूरी की तो उस वक्त जो रोटियां पेश की जाती तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल हार्वेस्ट हुई है जो क्राइस्ट ने चालीस मना मनादे की और शर्गिदों ने तो एक सौ बीस की जमात ये जो फसल रूहानी फसल यहाँ पर मौजूद है इसके ऊपर रूल कुदस की आग आई कुदस आया और उसने इस कलीसिया को इस रोटियों को कबूल कर लिया और जो इनकी किताब दूसरे बात में बीवर्स उसकी आयत में लिखा है वो पहली बारिश और पिछली बारिश जो है बर वक्त भेजेगा और तुम्हारे खत्ते गेहूं से भर जाएंगे हौस होंगे तो वो तो खत्ते गंदम गेहूं से भरते थे अब ये रूहानी खतों की क्लिसों की बात है तो पहली रेन जो है वो कुदस का नजूल जो है वो क्लिसिया के ऊपर हुआ और पिछली बारिश जो है जक्रिया की किताब उसका बाप उसकी पहली में लिखा है पिछली बरसात की बारिश के लिए दुआ करो तो साइमन जो पिछली बारिश है ये इसराइल के ऊपर अभी होगी मगर ये नहीं कि जब होगी तो फिर फुल जो आउटपोरिंग ऑफ होली स्पेट है नजूल फुल आउटपोरिंग हो गया है और ये पहली बारिश में इब्तदाई कलिसिया आई है और जब पिछली बरसात जब यहूदी बचेंगे तो गोया वो रूल कुछ जो फजल और मनाजात का रूह है जख़्र बार बाप के मुताबिक वो रूह उनके ऊपर आएगी और वो खुदा उनको कबूल करेंगे और कलिसिया में शामिल हो जाएंगे तो खत्ते घे से भर जाएंगे पहली और पिछली बारिश जैसे आम फसलों के लिए दो बारिशें जो है ज़रूरी होती है पहली और पिछली तो रूहानी तौर तो पर पहली बारिश फर्स्ट रेन जो है होली स्पेट का रजूल हो चुका पर यह फुल आउटपोरिंग ऑफ होली स्पेट है ये नहीं कि ये सिर्फ पहली बारिश की हाफ है मगर बाज इसका स्कूल इसल भी आ जाएगा तो फुल जो आउट है तो कुदस का तो हो गया पर अभी जो पिछली बरसात होने वाली है तो उसमें इसराइल भी जब वापस आएगा तो मुकम्मल तौर पर तो ये दो गिरदे पहले ही जैसे वो पेश करते थे तो पहली इब्तई कलिसिया और आखिरी क्लिसिया जो है ये दो गिरदे वो लेके आते थे उस फसल के तो बाइबल मुकदस के मुताबिक कली फसल के ऊपर उसको कबूल किया और उसको मसा किया दिया और गैर जबाने बोलने लगे तो ये जो फेस्टिवल हारवेस्ट है अब ये स्पिरिचुअल हारवेस्ट है ये ईद पैंथी कोस का नहीं है तो लिहाजा आज का जो ट्रांसमिशन है और जब हम इकतीस मई को नजूल कुदस का जो डे मनाते हैं उसके साथ हम चर्च का भी तो गोया जो थर्टी फर्स्ट का जो डे है वो नजूल रुल कुदस कलिसिया के ऊपर तो गोया कलिसिया के आगाज का भी दिन है और रुल कुदस के ऑफिस का भी आगाज है तो गोया ये दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है इदे तो जो हावस फेस्टिवल हावस जो है ये यहूदियों का है

पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल आंसर लिया और हमने इसमें जाना कि कैसे यहूदी ईद पैंती को मनाते थे और जो कि फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट और फेस्टिवल ऑफ़ वीक्स कहलाता है जिसमें सरदार काहिन गिरदे ले के दो गिरदे लेकर आता था और फिर हमने जाना कि किस तरह कलीसिया और पाक रू का नज़ूल एक ही वक्त हुआ जब दूसरे मददगार के तौर पर रुलकुदस कलीसिया पर नाजल हुआ पाखरू का नजुल के बाद कलीसिया का भी आगाज हो गया अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को रेवन डॉक्टर विल्सन कामन से पूछेंगे और उसके जवाब को लेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या गैर जुबानें और नबूवत दोनों ही पाखरू के बपतिस्मा का निशान है जी आप बताइए कि रुल का निशान क्या गैर जुबान ही है और क्या नबूबत भी नुल्कदस के बपतिस्मे का निशान है और दूसरा ये बताइए कि आज कल कादम और हैं बाइबल के मुताबिक गैर जुबानों का इस्तेमाल और नबूवत का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं सो so, बीवर ये जो दूसरा सवाल अभी साइमन ने टंग्रॉफसी के हवाला से पूछा है इस सवाल की जवाब की बहुत ज़रूरत है और आजकल जो प्रॉपसीस के हवाला से और टांग्स के हवाला से हम खादमों की खादों के अंदर ये एजुकेशन देखते हैं और किस तरह हम उसके इस्तेमाल करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है और जब हम नजूल रूलकुदस के इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और रूलकुदस की प्रॉपसी क्राइस्ट ने जाने से पहले कर दी कि मैं जाता हूँ मददगार दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजता हूँ और यह सावन बाग के अंदर ये प्रॉपसी आई है यह सा बत्तीस बाप के अंदर होली स्पिरिट के बारे में प्रॉपसी आई है जोहल की किताब दूसरे बाप के अंदर ये प्रॉपसी आई है और ये सारी नबूवतें और क्राइस ने जो वादा किया वो इध पैंथी कोस के मौका के ऊपर कुदस का नजूल कलिसिया के ऊपर हुआ और जब रूल कुदस नाजिल हुआ तो सबसे पहले तो नाजिल के जो पोरिंग का मतलब है जैसे जो ओल्ड टेस्टमेंट में तेल उंडेला जाता था इसी तरह होली स्पिरिट नाजिल जो है कलिसा के ऊपर हुआ है और जब रूल कदस नाजिल हुआ तो उन्हें आग के फटती हुई जबान दिखाई दी और उनके ऊपर आकर ठहर गए और बाइबल मुकदस में अमाल दूसरे बाप पर लिखा वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर जबानी बोलने लगे जिस तरह रूल ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी तो जब बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने टंग्स बोली हैं तो फिर दुनिया के अंदर बाज़ लोग टांग्स के अगेंस्ट जाते हैं मगर उनको पता होना चाहिए कि टांगस बाइबल के मुताबिक टुलदस के नजूल के वक्त इब्तदाई कलिसिया ने बोली और आज भी कलिसियाएँ जरू से मामूर हैं वो जो बेप्टाइज हैं जो डिपेंड करते हैं उनको ये गिफ्ट अदा करता है और पत्रस ने अपने पहलेबाज में कहा तोबा करो और तुम में से हर एक आप गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा मैसिन के नाम पर बपतिस मान ले तो रूल कुदस के नाम में पाओगे और फिर आगे पदस कहते हैं ये वादा तुम तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है तो गोया कौम और गैर कौम दोनों के लिए ये वादा तो ये टंग्स जो बोली गई ग्रीक वर्ड जो ग्लोसा जिसका मतलब अदर टंग तो इसका भी रेफरेंस हमें युसा की किताब अट्ठाईसवें बाप में मिलता है कि खुदामन इस उम्मत के साथ यानी इसराइल के साथ बेगाना लोगों से बात करेगा तो ये प्रॉफ़सी लिख दी गई तो जब रूलकुद का नजूल हुआ तो टंग्स बोली गई और जिससे आज कृषि के अंदर जब रूल कदस का बपतिस्मा होता है तो इसी तरह बिलीवर अदर टंग्स बोलते हैं मगर बहुत से सवालत जो जन्म लेते हैं लोग कह देते हैं कि इन टंग्स के हमें समझ नहीं आती जबकि इधे पैथिकोस के मौका पर रूल कुदस के नजूल के वक्त ये समझ आ रही थी तो वहाँ भी हमें समझने की ज़रूरत है तो जब रूल कुदस नाजिल हुआ तो उस वक्त टंग्स बोली गई तो वहाँ पर क्योंकि चूँकि देंद्रिकोस का वो दिन था और बहुत से यहूदी दूसरी कंट्रीज से वहाँ पर आए हुए थे और जब ये टंग्स बोल रहे थे तो उनमें से हर एक कह रहा था कि क्या ये हमारे वतन की बोलियाँ नहीं बोल रहे तो गोया उनको तो अपनी जबान में यह समझ आ रही थी मगर शागिर्दों के लिए यह टंग्स थी ये उनकी ज़बानें नहीं थी वो गैर ज़बानें बोल रहे थे तो अगर एक किसी वतन का अपनी बोली सुन रहा था तो बाकी तो ज़बानें उसके लिए गैर ज़बानें थी वहां गैर ज़बानें जो बोली गई हैं तो ये रूल कुदस का निशान था तो जो क्वेश्चन किया गया क्या जो गैर जबानें ही सिर्फ निशान है क्या नबूत भी तो मैं ये मुकाशफा बिलीवर खादमों के सामने ये बताना चाहूँगा कि जब रूल कदस नाजल होता है तो एक बिलीवर के ऊपर जब हुट आता है तो वो टंग्स बोलता है और प्रोपसी भी तो गोया टंग और प्रोपसी दोनों ही निशान है जबकि दुनिया के अंदर टंग्स को ही जो है निशान समझा जाता है और इसी के ऊपर फोकस करते हैं जबकि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखें तो रुकद से जब नाजिल होता था तो नबी नबूत करते थे खैर जबान नहीं बोलते थे जैसे सऊल के हवाले से जब तो नबियों की जमात में से गुजरेगा तो खुदा का तुझ पर जोर से नाजल होगा और बदल कर और ही तरह का आदमी हो जाएगा तो वो नबूत करने लगा वो सब कहने लगे क्या सऊल भी नबियों के अंदर शुमार हो गया तो गोया वो नबूत करते थे तो ये होली स्पेट के तरफ से तो गोया नबूत का सिलसिला तो कुदस के नाजल होने से है तो ये जारी था जारी है जब हमें कुदस के नजूल के दिन जब हम टंग्स को देखते हैं तो प्रॉफ़सी भी वहाँ पर हो रही है जबकि पतरस ने अपने बाज़ के अंदर कहा क्योंकि वहाँ उस वक्त लोगठा करने वाले कहते हैं ये तो ताज़ा मैक नशे में है तो पतरस ने कहा कि अभी तो पह दिन ही चढ़ा है तो साथ रेफरेंस दिया कि जैसा कि जोएल की किताब में लिखा है तो जोएल की किताब में क्या वो वाज पत्र से कहा कि आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूत करेंगी तुम्हारे बूढ़े खाब और जवान रोया देखेंगे कि तो ये वादा सब के लिए और पत्र से ये कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूत तो ये जो टंग्स बोल रहे हैं तो रेफरेंस नबूत का दिया इसका मतलब है वहां नबूत भी हो रही थी और टंग्स भी हो रही थी और ये पथरस ने अपने बाद में रेफरेंस देके कहा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूत करेंगे और अमाल उन्नीस सौ जब एक बिलीवर्स के ग्रुप के ऊपर हाथ रख कर दुआ कर रहा है तो लिखा है कि वहां पर बारह लोग थे और वो गैर जबान बोले और नबूत करने लगे तो होली स्पेट काज का निशान टंग्स भी है और पड़ोसी भी है मगर लोग जो है यही समझते हैं कि जुबान नहीं है मगर ये मैं बाइबल के रेफरेंस से ये आपको बता रहा हूँ कि नबूत भी जो रूल कुदस का निशान है बैप्टिज़म का और टंग्स भी मगर टंग्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता है फिर मुकाशवा की किताब उन्हीं से बाप के अंदर एक आयत है कि यीशु की गवाही नबूत की रूह है तो होली स्पिरिट जब हमारे अंदर आता है हालांकि भी बैप्टिज़म नहीं भी किसी को होता तो लिखा है कोई रूल कुदस के बगैर नहीं कहता कि वसी यीशु खुदामंद है तो खुदामंद यीशु को कहना ही रूल कुदस का हमारे अंदर होना है और ये गवाही है तो गोया ये प्रोपसी स्प्रिट ऑफ प्रोपसी है कि जब हम क्राइस का बयान करते हैं और नजूल के वक्त होली स्पिरिट के नजूल के वक्त जब हर कोई अपने वतन की बोलियां सुन रहा था लिखा है उसमें उदा के कलाम का बयान सुन रहा था वो नबूती कलाम उनको सुनाया जा रहा था तो गोया गैर जबान भी बेप्टज का निशान है और जो से भी निशान है और ये क्राइस ने पहले ही उनको जाने से पहले कह दिया कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुवत का लिबास ना मिल जाए तो लिखा जब कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे तो कुदस के नजूल से टंग्स भी मिलती हैं प्रॉप्स भी मिलती हैं मगर क्राइस्ट ने टंग्स और ट्रॉपसी की बात नहीं की क्राइस्ट ने कहा जब तुम पर नाजुल होगा तो तुम कुवत पाओगे तो गोया होली पार देता है, और उस पार से जो ताकत उसने दी वो टंग्स और ट्रॉपसी की सूरत के अंदर ताकि टंग्स उस वक्त जब बोली गई हैं ताकि वो प्रोफसी जो ये साय अट्ठाइसवें बाप के अंदर है कि यहूदी उस कलाम को ना समझ सके पर जो दूसरे मुल्कों से लोग आए थे और आज गैर गैरकोम से जो कुलिसियां है, आई हैं वो खुदा के कलाम का बयान सुनती हैं मगर यहूदियों के सामने ये टंगज के लिए थी पर आगे चल कर पालूस जो पहला चौथे बाप के अंदर टंग्स और प्रॉपसी के हवाला से बात करता है तो पासो साइमन मैं इसके हवाला से मजीद जो है आपको साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि बिलीवर्स इस बात को समझ सके तो पासो साइमन टंग्स और टंग्रॉपसी दोनों कुदस के नजूल के वक्त एक प्लेवर के ऊपर आते हैं तो लिहाजा जिसको टंग्स का तजर्बा हो जाता है वो सोचता है कुदस मुझे मिल गया और जो उसके कामों का बयान या वर्शिप या खुदाम का शुक्र कर रहा होता है तो वो सोचता है मुझे बैप्टिज्म नहीं हुआ जबकि दोनों को बैप्टिज्म हो गया है कि वो प्रॉपसी अगर बोल रहा है तो वो बैप्टिज़्म उसको मिल गया है अगर टंग्स बोल रहा है तो बैप्टिज़म उसको मिल गया है

जो हमारी जबान नहीं है तो अगर वो बोली जाती है तो उस वक्त यहूदियों को इसकी समझ नहीं आई तो प्रोपसी की इसीलिए गई थी कि वो ना समझ सके पर कलिसियाओं के अंदर पालू तालीम देता है कि अगर जब हम जमा होते हैं कलिसियाएं तो किसी के पास गैर जबानी किसी के पास नबूत तो गैर जबान अगर कोई बोलता है तो उसका तर्जमा भी हो और गैर जबान भी दो शख्स बोले या तीन इसी तरह नबूत दो करें या तीन तो ये मगर टंग्स अगर बोली जाती है तो उसका तर्जमा हो पाल रसूल ने फिर रेफरेंस दिया ये साढ़े अठाईसवें बाप के ही वाला से कि बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो एक गैर जबान खुदा से बातें करना है और इससे ती तरक्की होती है पर नबूत के जरिए से जो कलचिया की तरक्की होती है और कलिसिया की तरक्की में क्या है और चौदह बाप के अंदर पहला करती में लिखा है जब प्रोपसी की जाती है तो उसमें तसली नसीहत और तरक्की की बातें की जाती है तो ये यानी अगर कोई ऐसा शख्स क्लिस में आ जाए जो सिन की हालत में है, तो कोई नबी प्रोवसी के जरिए से उसके सिन को जाहिर करते हैं और यूं वो तोबा करेगा तो अगर कोई टांग्स बोलेगा तो वो पालूस कहता है वो तुम्हें दीवाना ना कहेंगे या उसका तर्जमा हो तो तर्जमा करने वाला भी वहां पर कोई खादम हो बिलीवर हो या फिर जो टंग्स बोल रहा है वो खुद भी तर्जमा कर सकता है तो ये टंग्स और प्रोपसी पहली तो आपका सवाल का जवाब के ये दोनों ही होली स्पीड बैप्टिज्म के निशान हैं जो जो नजूल रुदस के वक्त कलिस के ऊपर जाहिर हुए मगर चूंकि वहां लिखा गया गैर जबान बोलने लगे पर पतरस के आवाज के अंदर पतरस ने कहा कि ये वो बात है जो जो इनकी किताब में लिखा कि आखिरी दिन में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूत भी करेंगे तो टंग्स भी बोली गई हैं और प्रोपसी भी की गई है और लोगों ने सुनने वालों ने कहा कि हम खुदा के कामों का बयान अपनी जबान में सुन रहे हैं तो वो प्रोपसी की राह से तो आज जब कोई प्रोपसी बोल रहा होता है या की गवाही दे रहा होता है रोलकुद उसके अंदर है तो बैप्टिज्म से हम कुवत पाते हैं जोर पाते हैं और इब्तदाई और ट्रोपसी के साथ पे जोर पाकर उस दौर के अंदर उन्होंने खुदा की खिदमत को सर अंजाम दिया और जब आपने कहा आज कल के दौर के हवाला से तो जो साइमन कलिसियाएँ खादम टंग्स प्रसि की तालीम को समझते हैं वो तो ठीक इसका इस्तेमाल क्लिसों के अंदर कर रहे हैं मगर जो इस तालीम को नहीं समझते वहाँ पर उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और बाद बिदती तालीमत भी इसी से जन्म लेती हैं जब पलूस कहता है कि टंग्स अगर कोई बोलता है तो उसका तर्जमा होना चाहिए नहीं तो अपने दिल में खुदा से बातें करें तो बाज लॉर्डली बोलते हैं उसका तर्जमा नहीं होता इसका मतलब है तर्जमा नहीं हो रहा तो वो जो है छुपके से अपने दिल में खुदा से बात करें और बाज अगर किसी डीम्स को भी निकालना है बिलीवर्स तो कई खादम बदुर निकालते वक्त टंग्स बोल रहे होते हैं वरना तो खुदा से बात करना है बाज जो है गीत गाते गाते बाज कलाम सुनाते सुनाते बाज दुआ करते करते ट्स बीच में बोल देती है बाद ट से शुरू करते हैं जरूर टंग्स बोली जाए अगर उसका तर्जमा हो अगर तर्जमा नहीं है यानी टंग्स बोलने वाला ख़ुद भी तर्जमा करे अगर वो तर्जमा नहीं करता तो फिर वो सिर्फ जो बात अपनी लैंग्वेज में करे अगर टंग्स में करता है तो पहले कर ये साफ है कि वो दिल में खुदा से बात करे वरना उसका तर्जमा किया जाए तो ये अदर टंग्स के हवाला से बात की गई तो आज अगर जो क्लिस में टंग्स हैं तो इसी वजह से बज लोग कंफ्यूज हैं जो टंग्स बोलते हैं वो सोचते हैं कि बैप्टिज़म में है और जो टंग्स नहीं बोलते हैं वो सोचते शायद हम बैप्टिज़म के अंदर नहीं है हालांकि रूलकुद के अंदर है क्योंकि कोई रूलकुद के बगैर बिलीवर्स नहीं कह सकता कि मसीह खुदामत है तो वो रूल कदर अंदर है पर बैप्टिज़म जो है ये खदमत के लिए दिया जाता है और वो टंग्स बोलता है और ये अप्रोपसी करता है ताकि वो अच्छी तरीके से कुत से मुल्बस होकर खुदा की खदमत को अंजाम दें तो पालू से ने इस पर तालीम दी है अब रही बात प्रोपसी के हवाला से इसका इस्तेमाल आज के दौर के अंदर इसका इस्तेमाल तो कलशिया में इसलिए हो रहा है क्लिस की तरक्की के लिए और कलिसा की तरक्की का मतलब है कि अगर कोई सिन में बैठा है तो नबूत की राह से कोई उसके सिन को जाहिर कर दे और उसको फिर तसली और तरक्की की बात भी करे तो देखने में जो बात आ रहा है कि आज टांग भी जहां मर्जी बोल देते हैं लोग तो उसका इस्तेमाल जो समझ रखते हैं वो ठीक यूज करते हैं क्लिस के अंदर और जिनको प्रॉपर नहीं वो अपने जज्बात से उसको बोल देते हैं लिहाजा उनको अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जो है टंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए और इसी तरह प्रॉपसी के हवाला से पहली बात तो पालू ससूल कहते हैं नबियों में से दो या तीन बोले जी तो यहां पर जो नबूत कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि जोएल की किताब के अंदर जो प्रोपसी लिखी गई है और ने भी कोट की है नजूल रूलकुदस के वक्त बाद के अंदर कि तुम्हारे बेटे बेटियां पहली बात नबूत करेंगी तुम्हारे बूढ़े खाब जवान रोया देखेंगे तो गोया ड्रीम और विजन देखने वाला ही नबी होता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो ड्रीम देखता था विजन वो प्रॉफिट होता था और अगर आज कोई ड्रीम या विजन देखता है तो वो नबी हो सकता है और जब कलिसिया ये कन्फर्म करे कि ये बिलीवर या ये मिनिस्टर प्रॉफिट है तो जिस तरह एक एवेंजर को मखसूस किया जाता है जिस तरह एक पास्टर को मखसूस किया जाता है तो उस प्रॉफिट को क्लिस मखसूस करे हाथ रखे उसके ऊपर तो प्रॉफिट तो मखसूस होता नहीं ना वो ड्रीम विजन देख रहा होता है जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर हो वो अपने तौर से अगर ख्वाब देखता है तो वो नहीं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल की तालीम के मुताबिक हो तो लिखा तुम्हारे बुढ़े ख्वाब वो भी नबी हो सकते हैं तो नबी जो हिब्रो वर्ड है जिसका मतलब है सियर देखने वाला विजन देखने वाला तो ख्वाब रोया देखने वाला और वो ख्वाब तो देखता नहीं रोया देखता नहीं और कई आकर हमें बता देते मैंने ये ख्वाब देखा तो वो ख्वाब तो बाइबल की तालीम के मुताबिक तो नहीं होता नहीं तो हम उनसे सवाल करते हैं अगर ख्वाब देखा आप मानी पूछे तो क्या प्रॉफिट क्योंकि ये काम तो नबी ने नहीं करना नहीं। है इसलिए इस तलीम को हमें कल के अंदर मुकम्मल तौर पर इसकी खबरदारी करनी है और ऐसे लोग जो होते सिंध में हैं या नीम गर्म हालत के अंदर होते हैं वो भी अपने आप को नबूत के अंदर बताते हैं बहुत सी बिलीवर जो नीम गर्म लेडीज़ हैं ईमानदार बहने पर नीम गर्म है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि फ्लांग को औलाद होगी फ्लांग को कि निकल आएगी फ्लॉग को घर मिल जाएगा प्रॉपसी के अंदर ये बातें नहीं है प्रॉफसी प्रॉफिट का काम होता है किसी शख्स को गुनाह से निकाल कर खुदा की तरफ फेरे ये प्रॉफिट का बाकी अगर उसके लिए कोई बरकत की दुआ करनी है तो वो बरकत के जिम्मे में करें प्रॉफिस के जिम्मे में नहीं कर तो इसका इस्तेमाल जो ज्यादा हो रहा है प्रॉफिस का ये क्रूसे के अंदर घरों के अंदर ऐसे लोग घुस कर उनको नबूफती अंदाज में बातें करके गोया एक बिदती तालीम बहुत लोगों की जिंदगी के अंदर जारी है टंग और जो नबूत हैं ये कलिसिया के अंदर बोली जाती है क्योंकि वहां पर बिलीवर्स बैठे हैं वहां खादम बैठे हैं वहां जो तालीम को समझने वाले बैठे हैं और नबूत के हवाले से लिखा है अगर किसी ने कोई गलत नबूत कर दी है और एक दूसरा नबी समझता है ईमानदार कि ये गलत प्रॉपसी है तो उसके ऊपर वही यानी रेबुलेशन उसके ऊपर आएगा वो भी रेबुलेशन के ज़रिए से ठीक प्रॉपसी बोले कि ये प्रॉपसी नहीं ठीक थी ये ठीक है और दो दो या तीन बोले इसे ज़्यादा नहीं इसका मतलब वो कंफर्म हो उनके ऊपर हाथ रखे जाए और आज कोई अगर प्रॉफिट होने का दावा करता है तो पहली बात क्या वो विजन ड्रीम देखता है खुदा उसको ये इस तरह जो कलाम देता है वो पूरा उतरता है और दूसरी बात क्या कलिसिया ने उस प्रॉफिट के ऊपर हाथ रखे कि तो वो खुद ही नबी बन गया है तो ऐसे नाम जो प्रॉफिट हैं ये फॉल्स प्रॉफिट भी बन सकते हैं या अगर वो ठीक है वो ये खिदमत करना चाहते हैं तो वो बाकायदा ड्रीम विजन और कलिसिया के अंदर बे रहकर वहां पर उडेन हो फिर इस प्रॉपसी को क्लीसिया की तरक्की के लिए सर अंजाम देना है तो नगुण। नगुण। ये जो हो रहा है ज्यादातर आपने आजकल टंग्स को भी जो प्रॉपर तरीके से उसका जो प्लेटफॉर्म चर्च है वहां नहीं बोला जा रहा और तर्जे के साथ बोला जाना चाहिए और बिलीवर प्रॉप्सी भी इसी तरह जो एक सिनर को एक गुनहगार को जो मसीह की तरफ लाने के लिए बोली जाती है ना कि उनको दूसरी चीजों का बयान किया जाता है आप उन चीजों के लिए बरकत की दुआ कर सकते हैं पर प्रोपसी एक सिनर को खुदा की तरफ लाने को तो गोया दो बातें सवाल आपने सवाल में किया था कि गैर जबानी और नबूते ये बैप्टिजम का निशान है यकीन दोनों ही है एक नहीं है टंग्स भी है और प्रोफसी भी प्रोफसी ओल्ड टेस्टमेंट में न्यू टेस्टमेंट में टंग्स तो गोया प्रोफसी भी साथ साथ जारी है इसलिए तो आज खादम प्रोफसी बोलते हैं तो वो जैसे नबियों के ऊपर नबियों के ऊपर रूह आता था और वो प्रोपसी करते थे तो वो सिलसिला पाकरू का जारी खत्म नहीं हो गया तो गोया प्रोपसी भी जारी रहती है और टंग्स भी तो गोया टंग्स दोनों ही नजूल रूल नजोलो के वक्त पैद के मौका पर जहां टंग्स बोली गई वहां नबूते भी की गई हैं वो भी निशान उनको मिला है और पतस ने अपने बाद में कहा कि ये तो जोएल नबी की किताब में जो बात लिखी गई है कि आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूत करेंगे तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे तो एक प्रॉफिट को जो सियर है और ओल्ड गैबीन कहा जाता है गैप की बात बताने वाला तो सियर तो आज कोई अपने आप को प्रॉफिट या सीयर कहता है क्लिस के अंदर उडेन हो और वो ड्रीम देखने वाला हो विजन और वो पूरे भी हो और अकॉर्डिंग टू तो स्क्रिप्चर भी हो तालीम के मुताबिक हो और अगर कोई जो बाइबल से हटकर प्रॉफिट भी नहीं है और वो अपने आप को नबूवत के अंदर लाता है तो उसको मतात हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो खुदा की तरफ से वो स्पोक्स होता है कि खुदा की बात को आगे बयान करने वाला है लिहाजा क्लिस के अंदर वो शख्स उडेन किए जाए जैसे एवेंजनिस्ट को उडेन किया जाता है पास्टर को उडेन किया जाता है प्रॉफिट भी ये फाइव फाइवोल मिनिस्ट्री के अंदर है वो भी अगर प्रॉप्सिक प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है तो वो प्रॉप्सी करेगा तो ग्रीक इसके लिए हिब्रू वर्ड जो आ, हमारे पास प्रॉपसी के लिए आया नाबा और एक वर्ड मासा जिसका मतलब है और या बर्डन बारे नबूत या प्रॉफसी तो ये एक वेट एक प्रॉफिट के अंदर या वो आवाज़ को भी सुन सकता है खुदा की या विजन और ड्रीम के जरिए से भी वो अंदर होल स्पीड उसे एक वेट देता अकॉर्डिंग टू तो स्क्रिप्चर वो फिर उसका बयान करता है और अपने खात में यही कहता है कि नबी ईमान से खुदा की तरफ से बोलते हैं तो ये मुकम्मल ओल्ड टमेंट न्यू टस्टमेंट के कलाम की पहचान हो जो नबी की खिदमत करना चाहता है जो नबूत करना चाहता है यह सया की प्रोसेस ये की हिस्कियल की डोमेस्टिक मेजर प्रॉफिट हर एक प्रोसेस का यहाँ प्रोसिस का तो पता नहीं और वो प्रोसेस करना शुरू हो जाते हैं जिससे गलत तालीमत पुलिसियों के अंदर आ रही हैं तो लिहाजा ये दोनों बातें मैं आपको बयान की और एक ईमानदार खादम को गलीसिया के ताबे रहना चाहिए और जब उसे गिफ्ट पाखु का मिलता है और वो टंग्स बोलता है तो उसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें जैसे पलूस कहता है मैं दस हज़ार गैर जबान बोलता तो अपनी पर्सनल प्रेयर के अंदर तो अगर आप कलिसिया के अंदर बोलते हैं तो उसका तर्जमा करने वाला हो अदरवाइज कलिसिया के अंदर जो है वो छुप के से दिल के अंदर बात करें मुझे जब रूल खुद उसका पर्सन साइमन बैप्टिज्म हुआ नाइनटीन के अंदर मैंने टंग्स बोली अपनी पर्सनल मीटिंग के अंदर आज भी बोलता हूँ मगर कलिसिया के अंदर मैं मुकाशफा की बातें भेद की बातें जो है तरक्की की बातें करता हूँ और नबूवती कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है वो करता हूँ और कलिसिया इससे तरक्की पाती है पर अगर कलिसिया में कोई कहे कि मैं ने नबूत करनी है मेरे दिल में आ रही है नबूत तो हमें कन्फर्मेशन हो कि वो एक प्योर बिलीवर है सरगर्म बिलीवर है एक खिदमत करने वाला है क्या वो उडेन हुआ है उसकी पहचान नबी के तौर पर कलिसिया के अंदर हो देन देन वो प्रोफेसी करें तो जब वो बगैर उडेन के बग़ैर कंफर्मेशन के वो जब बोलते हैं रेवल्यूशन तो कई ठोकर खा जाते हैं और गलत तालीम किसी के अंदर है इसलिए टंग्स को प्रोफ को अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर और ये हमारे पास पूरी बाइबल के अंदर तालीम है और पालू ससूल पहला अख्तर दिव्य चौदह बाद में तो डिटेल से हमारे सामने दिए कि एक बिलवर खादम को इसके मुताबिक चलना चाहिए ना कि लोगों को खुश करने और अपने नाम नहात बातें करनी चाहिए तो आजकल जो हो रहा है दुनिया के अंदर वो प्रोफसी के पैटर्न से हट कर बाज फॉल्स प्रोफेस कर रहे हैं बाज अपनी घड़ी हुई बातें बना रहे हैं और बाज लोगों को धोखा दे रहे हैं और बाज टंग्स को जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तो वो सोचते हैं कि मुझे मेरे टंग्स पे कंट्रोल नहीं पर बाइबल मुकदस में लिखा है नबियों के रूहें नबियों के ताबे होती हैं और खुदा अफतरी का नहीं अमन का बानी है और हर गिफ्ट से कलीसिया की अफजूनी हो तरक्की वो तो टंग और प्रोपसी जो निशान मिला है ये के रसूल के वक्त ये कलिसिया की भरपूर तरक्की के लिए मिला है और खादमों के ईमानदारों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर और अपनी लीडरशिप के ताबे रह कर हर बात को सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए नाजिन हमने दूसरे सवाल का एक जामे कस्म का आंसर रेविन डॉक्टर विल्सन कार्मन से बाइबल की रहनमई में हासिल किया और हमने देखा कि नबूवत और गैर जुबानें दोनों ही रुलकदस के नजूल को ज़ाहिर करती हैं और इसके अलावा हमने जाना कि जैसे आजकल कल में और बहुत से खादम इस चीज़ को गलत तोड़ मडोड़ कर और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें जो कि ठीक बात नहीं बाइबल के मुताबिक इस गैर जुबान का और नबूवत का इस्तेमाल करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए अब हम अपने तीसरे और आखिरी सवाल की जाने बढ़ेंगे तीसरा सवाल जो कि मसा और कुवत में क्या फ़र्क है और क्या खादम किसी को मसा कर सकता है नाजिन इसमें हम जानेंगे कि क्या मसा का वर्ड जो हमें नॉर्मली रूटीन में कलिसियाँ में और आबादत में सुनने को मिलता है लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो हमें कुवत का लफ्ज़ मिलता है कि जब रूलकदस्त तुम पर नाजल होगा तो तुम कुवत पाओगे तो हम पूछेंगे कि क्या इस वर्ड का जो इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम जानेंगे और दूसरा ये कि क्या एक कदम किसी को मसा कर सकता है लिहाजा इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं so, जो तीसरा सवाल किया गया है मसा के हवाला से और कुवत के हवाला से तो जब हम मसा कहते हैं तो होली स्पिरिट का बेप्टजम जब होता है तो जब खुदा उस खादम को जिसको बेपटाइज करता है रूल कुत से तो गोया उसको एनोइंट कर दिया कर दिया जाता है ताकि वो ख़िदमत के लिए मखसूस हो जिस तरह क्राइस के हवाला से हिस्सा अक्सर बात में आया है खुदा का रूह मुझ पर है उसने मुझे मसा किया तो हम जब बप्टिसमा कहते हैं तो उसका इजहार जो है टंग्स और प्रोपसी के जरिए से हम बेप्टज की सूरत में बोलते हैं जब हम मसा की बात करते हैं तो गोया ये वही वक्त होता है जब खुदा बेप्टिज़म देता है तो गोया उसने मसा कर दिया ताकि हम उसके गवाह हों उसकी खिदमत करें तो जो अमाल पहले बाप के आठवें आयत का हमने पहले भी जिक्र किया जब तुम पर नाजिल होगा तो नाजिल होने का मतलब है जब बेप्टिज़म देगा या मसा करेगा तो कुवत वो अता करेगा और उसका रिजल्ट क्या है ताकि उसके गवाह बने उसकी गवाही दे उसकी खिदमत करे तो एक अनुंटेड शख्स जो है जिसको अनोट किया जाता है तो वो उसकी गवाही देता है खदमत करता है तो ये बात हमारे सामने वाजे हो कि मसा जब एक खदम होता है वह कुदस उसको ये तोीक बखता है मखसूस कर देता है जो खदमत उसको दी जाती है उसके लिए उसको वो जोर अदा करता है तो पहले तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के हवाले से पता होना चाहिए कि मसा की क्या तालीम है फिर न्यू टेस्टमेंट के वाला से तो जो तीसों बाप खरूज की किताब के अंदर जब एनॉइंटिंग ऑयल के मुतालिक हमें एक तफसील दी जाती है कि जो स्पाइसिस उसमें यूज़ किए गए कि किस तरह का मसा का तेल बनाना उससे फिर काहिनों को और उसके साथ जो दूसरे काहिने उनको प्रेस और काहिनों को मसा करना फिर खैमा इज्तम की चीज़ों को भी मसा करना पहले उनके ऊपर जो ब्लड से छिड़का जाता फिर उसको ट किया जाता तो ये एक असूल भी याद रखें अनोइंट उस चीज को किया जाता है जिसके ऊपर पहले ब्लड को तो गोया ब्लड से पाकिजगी और फिर वहां पर वो को के अंदर आती है तो वो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो अनोइंटिंग है पहले तो हमें हमेंटिंग का वर्ड का पता होना चाहिए ग्रीक वर्ड क्रिजमा जिसका मतलब है अनोइंटिंग या रब विद ऑयल ऑयल का सिर पर लगाना मलना रब विद ऑयल तो ये के मीनिंग है तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में सर के ऊपर उड़ेला जाता था इससे मसा होते थे तो गोया नबी और काहिन और बादशाह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो उनको तेल से मसा किया जाता था फिर जिनको ये मसा का तेल लगा दिया जाता था उनके ऊपर कुदस आता और उनको कुबत देता फिर वो नबी के तौर तो पर या काहिन के तौर तो पर या बादशाह के तौर तो पर यह खदमत अंजाम देते तो मसा वाला वन जो है वो फिर करता है। से हम टंग्स की शक्ल के अंदर ख़िदमत करते हैं उसकी तारीफ करते हैं मगर जब मसा की हालत में है तो वो कोई जो खिदमत उसे दी होती है उस खिदमत के लिए वो एनॉइंट करता है तो के अंदर जो ये था, वो स्पेशल ऑयल था जिसमें फाइव जो स्पाइस थे यूज किए जाते थे उसमें मुर दार अगर और पांचवा जो था जैतून का तेल तो ये पांच जो थे स्पाइसेस यूज होते थे चार स्पाइसेस के साथ पांचवा जो था ऑलिव ऑयल तो जो हमारे पास ब्लिवर्स मुर का यूज था ये मीकनेस को हलीमी को शो करता है और धार जो है गुडनेस को नेकी को शो करती है और अगर जो है ये काइन को मेहरबानी को और तज जो है ये अपने आप को सबमिट करना रेंडर करना किताबेदारी को शो करता है और जैतून का जो तेल है ऑलिव ऑयल ये शादमानी को जॉय को तो ये पांचों जो अज्जा से एनॉइंटिंग ऑयल बनता था और तो बाइबल में इस तरह का कोई और मत बनाए तो इसी से मसा किया जाता उसको सिंग में रखा जाता ताकि इसका मतलब है कि इस ऑयल में जोर पाया जाता है जैसे सींग का मतलब होता है कि सींग जोरावर है जोर होता है सींग के अंदर जिस जानवर का भी हो तो ऑयल का अंदर होना कि इस ऑयल के अंदर जो अंदर एनॉइंटिंग ऑयल है इसमें जोर है ये कुवत देता है जो खिदमत देता है उसके अंदर वो अपनी कुवत से उसको इस्तेमाल करता है तो ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में इसलिए जब दाऊद के ऊपर किंग डेविड के ऊपर ऑयल जो है मसाका डेला गया तो वो किंग के तौर पर वो आगे मजिस्ट्री करने लगा खिदमत करने लगा खुदा ने से चुन लिया इसी तरह काहिनों को नबियों को पर क्राइस्ट के हवाला से जो प्राप्ति आई है जब पैंतालीस के अंदर तो खुदा ने उसे उसके हम सिरों से ज्यादा मसा किया तो ये जो ज्यादा मोर अनोइंटिंग की बात है तो इसका मतलब है पहले तो कोई नबी होता या बादशाह या काहिन होता तो क्राइस्ट तो नबी भी है बादशाह भी है काहिन भी है इससे बढ़कर खुदा का बेटा है उनसे ज़्यादा ये अनॉइंट किया गया है तो ये अनॉइंटिंग ऑयल से जो बनाया जाता था उससे नहीं बल्कि लिखा है शाद के तेल से तो शादमानी के तेल से जब बैप्टिज लिया गया तो क्राइस्ट के ऊपर रुल कुदस कबूतर की मानद जो है उतरता है उसको तेल के साथ नहीं किया गया शादमानी के तेल से यानी होली स्पेड से जो है अनुट किया गया और फिर उसने खिदमत को सर अंजाम दिया तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में होता है और न्यू टेस्टमेंट के अंदर जैसा क्राइस्ट के ऊपर रुल कुदस नाजिल हुआ तो इधर पैंथिको के मौके पर एक की जमात के ऊपर जब कुदस नाजिल होता है उन्हें अनॉइंट करता है तो होली स्पिट अब अनॉइंट करता है और ये अनॉइंटिंग से एक जो कुवत हमें मिलती है खिदमत के लिए फिर एक आदम जो है उसको संजाम देता है जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री या दीगर उसके पास जो रूम में पे मिनिस्ट्रीज का जिक्र है छोटी बड़ी मिनिस्ट्रीज वो कर पाता है तो उसके लिए अनॉइंट किया जाता है तो अनॉइंटिंग जो है ये मसा जो है बस लोग कह देते हैं कि एलिया से दुना है। एलिया का दूना का मतलब है लिशा ने जब कहा कि मुझे एलिया का दूना तो एलिया की जो खिदमत थी इसका मतलब अलीसा उसे डबल खिदमत मांग रहा है तो वो दूना हिस्सा मांग रहा है एनॉइंटिंग नहीं तो बाज लोग इसको भी जो है वो डबल एनॉइंटिंग में ले आते हैं तो एनॉइंटिंग उस वक्त तो नबी काहिन बादशाह एक सिंगल के ऊपर होती पर मसीह के ऊपर सारी खिदमतों के लिए अनोइंटिंग वो हम उससे से, से ज़्यादा मसा किया गया पर आज का खादम जो है ये रूलकुद से मसा होता है ऑयल से नहीं और जैसा अभी पास साइबा ने सवाल किया क्या ख़ादम मसा कर सकते हैं तो यकीनन खादम मसा नहीं कर सकते ख़ादम पहले ऑलिव ऑयल उल से वह ऑयल से मसा करते थे पर अब कुदस खुद जो है मसा करता है और ये सिर्फ रूलकुदस का काम है किसी इंसान का किसी खादम का ये काम नहीं है वो किसी चीज़ को ये मसा करे करें होली स्प्रेड जो है हमारा डिवाइन वॉलीव ऑयल है चादमानी का तेल है ये क्राइस्ट के ऊपर भी नाजर हुआ और क्लिसिया के ऊपर भी इसका नजूल होता है और ये खादमों को अनोन्ट करता है आज जो हम बेपटाइज होते हैं रुल कुदर से आज जो अनोइंट होते हैं तो रूल कुदस ने अनोइंट किया है बेपटिजम दिया है कुत दी है मखसूस किया है तो गोया हम जब अनोइेड होते हैं तो अनुंटड होने के बाद हम मखसूस हो जाते हैं मुकदस हो जाते हैं ताकि खुदा की खिदमत को सर अंजाम और इसके लिए जो ओल्ड टेस्टमेंट में ज़रूरी बात की गई है कि अनोन्टिंग जो है ये साइन ऑफ कॉन्सिक्रेशन है साइन ऑफ प्रेसहुड है ये कहानत का ये खिदमत का निशान है ताकि खुदा उनका ये जोर हासिल करें और जो सवाल साथ किया गया के मसा और कुवत में क्या फर्क है तो मसा तो होली स्पिरिट करता है ये निशान है साइन है ख़िदमत का जिससे कुवत मिलती है तो कुवत पार का इस्तेमाल हम करते हैं ना के मसा का मसा तो कुदस की मखसूसियत का काशन करना ये निशान है ख़िदमत के लिए पर कुवत जो है पार जो है यही लिखा कि जब रूलकुद नाजिल होगा मसा करेगा बैप्टिज देख, बैप्टाइज करेगा तो कुवत पाओगे तो कुवत हमें मिलती है फिर हमें कुवत का इस्तेमाल करना है ना के मसाका हम मसाशुदा शुदा है एनोइंटेड है पर हमारा काम एनोइंट करना नहीं है अब किसी को हमारा काम है खिदमत करे उस कुवत से जो रूल कुदरत हमें देता है और गौर से इस बात को सुनिए जब यसु मसीह खिदमत करता था तो यसु मसीह ने लोगों को शिफा देता पड़ा और कहीं भी यसु मसीह ने ये लफ्ज नहीं बोला कि जो है मैं मसा करता हूं ये जरूर बोला कि मैं कुदस की मदद से जो है ये बदरूहों को निकालता हूं मोजात करता हूं पर जब एक शख्स एक औरत बारह से जिसको खून जारी था उसने आकर क्राइस्ट के जुब्बे को छुआ तो क्राइस्ट ने फौरन कहा कि किसी ने मुझे छुआ है और आगे कहा क्योंकि कुवत मुझसे निकली है मसा नहीं कहा जी क्योंकि वो नॉइंटेड वन है ममसूह है उससे कुत निकलती है और फास्टर साइमन अभी इसके ऊपर मैं जो वजाहत करना चाहूँगा जो आपने कहा कि क्या आज का खादम मसा कर सकता है तो इसकी मैं डिटेल आपके साथ बात करता हूँ हवाला के साथ तो फास्टर साइमन जो आपने कहा कि क्या खादम किसी को मसा कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है लोग इस बात को समझ नहीं रहे खादमों ने अपने पास जो है ऑलिव ऑयल की बॉटल्स जो है वो रखी होती हैं और कहते हैं ये मसा का तेल है और कोविड नाइन्टीन के इस पीरियड के अंदर पैंडमिक के अंदर भी लोगों ने वो ऑयल के ऊपर दुआ करके दरवाज़ों पे भी लगाते थे तो खादम जो है ऑलिव ऑयल जो है या कोई और ऑयल लेकर उसको ब्लेस करके वो इस्तेमाल करते हैं और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि इस तेल को हमने मसा किया अब हम इस तेल से दूसरों को मसा करते हैं तो मसा का मतलब तो रब ऑयल है तेल का लगना ही मसा कहलाता है तो लोग जब बड़ी मामूरी होगी तो कहेंगे ये बड़ा मसा है वो एक्चुअली अपनी सादगी से ये कहना चाहते हैं कि रूल क़ुद की जुम्बश है मगर वो वर्ड वो यूज मसा कर जाते हैं वो ये कहें कि खुदा की प्रेजेंस है खुदा की हजूरी है खुदांद ने मामूर किया है मगर वो मसा कह देते हैं उनकी सादगी के अंदर ये बात रूल कुदस से ही रिलेट है मगर मसा का एक्चुअली जो मतलब है कि वो अनोट करता है जिससे कुत मिलती है जिससे मामूरी मिलती है और माल की किताब है ख़ादम रोज बरोज़ रूलकुदस की खुशी से मामूर होते चले गए तो फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट हमारी जिंदगी के अंदर हो प्रेजेंस हो एक जोश हो तो मगर लोग इसको अनुइंटिंग बास खदम जो कह देते हैं कि वो हाथ बढ़ाकर के मैं नॉइंटिंग को रिलीज करता हूं ये उसका काम नहीं है वो मसा किसी चीज को ना रिलीज कर सकता है ना मसा कर सकता है अनुइंट करने का काम सिर्फ फुल स्पेड का है पुराने दौर में ऑलिव ऑयल से मसा होता वो जो स्पेशल बनाया जाता पर न्यू टेस्टमेंट में रूल तो, तो यही तो है कि उसने मसा किया है क्राइस्ट को भी और क्राइस्ट ने कहा खुदा करू मुझ पर है उसने मुझे मसा किया तो इसी तरह कलिसिया को भी कुदस मसा करता है और आज जो टंग या प्रोसी या गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर नाजुल होता है तो वो मसा होली स्पेट करता है खादम उनको खदमत के लिए मखसूस करेंगे हाथ रखकर बरकत देंगे इसलिए पलूसने का हाथ रखने में जल्दबाजी ना कर यानी वो चेक किए जाए तो हम मखसूस कर सकते हैं उनको ओडेन कर सकते हैं हम वाटर बैप्टिज्म दे सकते हैं होली स्पीड बैप्टिज्म रुल कुदस का काम है अनोइंट करना रुल कुदस का काम है तो गोया खादम किसी को नहीं कर सकता और ना ही अपने पास ये ऑयल की बोतल रखकर वो किसी चीजों को मसा करे हमारे पास ऑयल लगाने का एक रेफरेंस यकूब के खत में मिलता है कि अगर कोई घर में बीमार हो तो वो क्लिस के बुजुर्गों को बुलाए और वो तेल मल कर बीमार के ऊपर दुआ करे तो इससे बीमार बच जाएगा तो अब तेल मलना का मतलब इंग्लिश में, anoint में फर्क है, masa, कुवत के लिए, के लिए करता है। पर हम हाँ बीमारों के लिए तेल मलकर दुआ कर सकते हैं पर टेस्टमेंट वाला है वो नहीं है वो तो बनाने की इजाजत थी वो वहां क्लोज हो गया अब मसा होली स्प्रिट करता है पर अगर कोई खादम किसी बीमार के ऊपर कोई भी ऑयल इस्तेमाल करता है मगर वो ये ना कहे कि मैं मसा कर रहा हूं वो ये कह सकता है कि मैं यीशु के नाम से तेल मल कर तुझे ब्लेस करता हूं और बीमारी दूर हो ये कह सकता है पर एनॉइंट नहीं कर सकता पास्टर साइमन नहीं ख़ादम, ये होली स्प्रेड का काम है तो आजकल ये जो मसा का चल रहा है।, है और फिर टच का इस्तेमाल करते हैं कि रूल कुदर टच कर रोल कदरस ने तो हमें जोर दे दिया है हम उनको जो है हाथ रख कर यानी टच करके हाथ रख के वो कुत के जरिए से जोर के जरिए से ये सुनाम के जरिए से उनको शिफा दे उनको बरकत दे ना कि हम दूर से कह टच होली स्पेट होली स्पेट को हम बाढ़ नहीं कर सकते होलिस ने तो हमें मखसूस किया है हमें डेन किया हमें अनोइंट किया है हमें बेपटाइज किया है हमें जोर दिया है इसीलिए तो ऊपर रूल क़ुद का नजोल हुआ है वो तो हमारा हेल्पर है मददगार है पहला क्लेटॉस है वो तो कंफर्टर है काउंसलर है वो तो हमें स्ट्रेंथ देता है हमें सिखाता है मसीह की बातें याद दिलाता है खुदा के तय की बातें हमें देता है ताकि हम उन बातों को जाने आइंदा की खबरें देता है इस दुनिया के अंदर उसकी मदद से हम प्रिज करते हैं जोर पाते हैं खिदमत करते हैं प्रस्तृत करते हैं इबादत करते हैं गीत गाते हैं दुआएं उठाते हैं वो आहें भरता है वो हमारे साथ है हमारे अंदर है तो उसका नाजिल होना जो है ये अनोन्ट करना है और यह हु कर सकता है तो गोया मसा और कुवत में ये फ़र्क है उसने मसा किया लिहाजा अब हम में से मसा नहीं निकलता कुवत निकलती, निकलती है पार निकलती है किसी की शिफा के लिए या खिदमत के उस जोर से जिससे वो कलाम के जरिए से कोई जिंदगी पा जाता है नजात पा जाता है तो गोया कुवत तो हमारे अंदर से पाद निकलती है तो ये नहीं कि हम रुमालों के भरा हाथ रख के उसको मसा करें कहिए अब कुत इसमें चली गई है ये तो जब हम खुद मौजूद हैं, हम हाथ रखें पर आजकल क़ादम हाथ रखते हैं पहले साथ तेल लगाते हैं हर मरीज के ऊपर हर पहले तेल पे उंगली डालते हैं फिर वहां भाई आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं है आप ऑयल का इस्तेमाल किसी एक के लिए कर सकते हैं और आप यस्सु का नाम लेकर बद्रोहों को बीमारियों को भगाइए तो ये तो वो जो बीमार कृषि तक आ नहीं सकता बुजुर्ग वहां जाए और उस सेंसलेस बंदे को बीमार बंदे को जो चार पाई पर पड़ा है ताकि जब ऑयल लगाकर उसके लिए दुआ करेंगे क्योंकि इसराइल के कल्चर में उनको मालूम होता था कि ऑयल हीलिंग के लिए होता है तो लिहाजा खादम ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते थे तो अब इसके लिए नहीं अब यस्सु नाम से रुलदस के जोर से खिदमत करनी चाहिए और जब का आज से 2000 साल पहले हो चुका है पासो साइमन पार, बिलीवर्स के है। एक खादम एक अपनी की में करे वो स्ट्रेंग फायर मत जलाए रूलकद की आग से मामूर होकर वह खिदमत करें जो है जोर जो 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 पकड़े और स्प्रिट बर्निंग के अंदर हो यह रूलकुद कि ताबे होगा और जो नजूल है इसकी अहमियत को समझे कि वो क्लिस पे आ गया है ये बाप ने भेजा है वो हमारा मददगार है और इब्लीस भागता है हमारी खिदमत जोर पकड़े हम खुश हो शादमान हों तसली मेरे कलाम को सीखे सारी ट्रुथ को सीखे वो सच्चाई की बाबत आके सिखाता है बताता है और लिखा है वो रूह हक है पाकिजगी का रूह है जलाल का रूह है मसीह का रू है खुदा का रूह है जो हमारे अंदर है हमें जोर बख्शता है तो आज के इस सारे जो निमी के हवाला से हमने जो नजूल के बाबत जो कलसिया के ऊपर हुआ है हम ईदे पेंदिकोस नहीं हम नजूल रुल कुदस कलिसिया के ऊपर यह टर्म हमें यूज करनी चाहिए right. और वो क्लिसिया मजबूत होंगी और अगर हम ईदे पेंदिकोस की बात करते हैं वो तो सिर्फ टर्म यहूदियों के नहीं नहीं लिए इसराइल के लिए थी अगर वो यूज करते तो वो करें मगर ईद देखो रूल कुदरत के नजूर में पूरा हो चुका है फुल अपॉन चर्च कलिया को लीड करने वाला हमारी जिंदगी में आ चुका है रूल वो हमें लीड करता है हमारे अंदर है हम पर नाजल हुआ है हमें उसने अनुइंट किया है हमें बेप्टाइज किया है हमें कुवर दी है जोर दी है ताकि उसकी प्रस्तुश करें उसकी खिदमत करें उसे तालीम को पाएं और यूनिटी के अंदर खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दे जबूर एक सौ उन्नीस की आयत से खत्म करूंगा टाइम में जो मैं आप सबके लिए दुआ के साथ ये कहता हूं कि मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल चुके इसी में मेरी खुशी है यू जनाजिन उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने बहुत बरकत को हासिल किया होगा और लास्ट प्रोग्राम में जो कि कुछ कर और देर ना कर के हवाला से था उसमें भी आपने ख़ास बरकत को हासिल किया होगा और आज जो ये टीचिंग ख़ास तौर पर कुदस के हवाला से निमटोलॉजी के हवाला से थी और जैसा कि मैंने आपको इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में बताया कि इसके हवाला से हमारे मुसलसल प्रोग्राम जारी रहेंगे और ये उसी कड़ी का पहला प्रोग्राम था जो आज हमने जिसके हवाले से आपने टीचिंग को हासिल किया और हमने मुख्तफ़ पहलू से जाना कि रूलकुद की पर्सनैलिटी के क्या इस्पेक्ट्स हैं वो किस तरह काम करता है हमने नबूबत के हवाले से जाना हमने गैर जुबानों के हवाले से जाना और खादम के हवाले से जाना कि वो किस तरह सही तौर पर इन तमाम चीज़ों को जो बाइबल हमें गाइडेंस फ्राहम करती है उसके ज़रिए इन चीज़ों को और गैर जुबानों को और नबूबत का सही तौर पर इस्तेमाल कर सकता है लिहाजा नाजरीन आप इससे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बरकत पाएँ और इस तलीम को आम करें स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे रबता कर सकते हैं इसके ज़रिए आप अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स दे सकते हैं और सवालत को पूछ सकते हैं जी नाज़िम अगले जुमा ठीक आठ बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और निमटोलॉजी के हवाला से जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसमें हम एक नए एपिसोड आपके पास लेके आएंगे और जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशवात और भेदों से भरपूर होगा तब तक के लिए इजाजत दीजिए गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान